नहीं, देखिए वो अगर आना भी चाहे तो बीजेपी तैयार नहीं है ना, और रामदास अठावले ना तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ना एनडीए के प्रवक्ता हैं, एक पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो उनका व्यक्तिगत विचार होगा, उनकी सदिच्छा होगी, लेकिन बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ लें, कुछ भी प्रयास कर लें, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए वो तो एक बोझ बन चुके हैं, अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफ़र करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो 44 सीट वो नहीं जीत पाते। तो इसलिए राजनीति में अगर आपकी वोट की ताकत आपके पास है तब तो आपका महत्व है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए रामदास अठावले क्या बोलते हैं उसका बीजेपी के नीति और निर्णयों से कोई संबंध नहीं। देखिए नीतीश कुमार घबराए हुए हैं, जिस नीतीश कुमार ने आज तक कभी विधायकों से एक एक विधायक से मिलकर बातचीत नहीं की, तो 13-14 साल के बाद पहली बार एक एक विधायकों को बुलाकर बात कर रहे थे, कभी पूर्व विधायकों की बैठक नहीं बुलाई, उनकी बैठक बुला रहे हैं, तो घबराए हुए हैं। क्योंकि जदयू का कोई भी विधायक, सांसद या वर्तमान या पूर्व, वो तेजस्वी को सीएम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो रिवोल्ट का खतरा है, विद्रोह का खतरा है, इसलिए वो लोगों के घर जा रहे हैं। अभी देखा कि आज तक कभी किसी मंत्री के यहाँ नहीं गए, लेकिन विजय चौधरी जी के यहाँ गए, विजेंद्र यादव के यहाँ गए, अशोक चौधरी के यहाँ गए। तो भाई मुख्यमंत्री भी आप हमेशा जाते रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तक आप किसी मंत्री के घर नहीं गए, शादी विवाह या वैसे अवसरों को छोड़कर, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो घबराए हुए, कि पार्टी में नाराजगी बढ़ती जा रही है, कोई टूट ना हो जाए, उसी को रोकने के लिए सारा प्रयास उनका है।